छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। सभी धर्माचार्य और गुरुओं के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन राजमहल परिसर में हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कमलेश प्रताप शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिन्हें विधायक शाह ने पुरस्कृत भी किया। वह इस मौके पर शाह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आदिवासी समाज के बच्चों को मंच मिलता है, जिससे उनकी प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस से आदिवासियों को पहचान मिली है, अपने समाज के बलिदानियों और क्रांतिकारियों को इतिहास का उनका इतिहास जानकर उनके मार्गदर्शन पर चले। पूरा विश्व आदिवासी दिवस गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। हमारे क्षेत्र में भी गांव-गांव में लोगों ने, आदिवासी भाइयों ने, माताएं बहनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ एक पर्व के रूप में इस आदिवासी दिवस को मनाया है। और उसके बाद उसके उपरांत यहाँ मुख्यालय हर्रई में उन्होंने अपनी रैली के माध्यम से इस कार्यक्रम में भी उपस्थिति प्रदान की है। उसके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे सगा समाज को भी धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इस बहाने हम आदिवासी भाई बहन एकजुट होके एक दूसरे से मिल सकें, बातें कर सकें और अपनी बातों को रख सकें।